लाओ बेटा। हाँ यहाँ रख दो। आई आई तशरीफ लाइया। आ गए। आई जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। आप मुश्की वालदा हैं? जी मैं ही मुश्की वालदा हूँ और ये मेरी छोटी बेटी है अंबर। इफ्तिखार साहब आप तो ऑलरेडी जानते होंगे कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बात मुख्तसर और मुकम्मल की जाए तो बेहतर है। एक्चुअली हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मुश्क का हाथ मांगने आए। उम्मीद है आपको एतराज नहीं होगा। भाई साहब हमें उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे गौर करेंगे। जी हम आपस से मशवरा करके आपको। भाभी माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि अब मशवरे की क्या जरूरत है, बच्चों ने ऑलरेडी सब कुछ तय कर लिया है। इफ्तिखार साहब जमाना बदल गया है। दिनों और महीनों का काम घंटों में करने वाले कामयाब रहते हैं, इसलिए हम अपने साथ मंगनी की अंगूठी भी लेकर आए हैं ताकि अपनी बेटी को पहना के रस्म अदा कर दें। बाकी मामला तो बाद में तय होते रहेंगे। वैसे मुश्क है कहाँ? आप बुलाएं ना उसे। मामा इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं बेटा आपकी वालदा ठीक कह रही है, जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर इस नेक काम में भी देर कैसे। बुलाएं मुश्को। जी आओ अंबर। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे पर मुझे खुशी है कि मेरे बेटे की बहुत अच्छी चॉइस है। उसने बहुत खूबसूरत बहू पसंद की है। माशा जी बाबा। तुम अपनी होने वाली शरीक हयात को अपने हाथों से अंगूठी पहनाओगे हम सबके सामने। गजाला जी अंगूठी। हाँ। हम अपनी बहू के लिए बहुत कीमती डायमंड की रिंग लेकर आए हैं। इट्स अ बेल्जियम कट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लो बेटा अपने हाथ से पहनाओ। अंकल अगर आपकी इजाजत हो तो देखता हूँ। कोई पहनाओ बेटा।